नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क। अमेरिका के वॉरसिस्टर से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक युवती ने कथित रूप से पुलिसकर्मी के मुंह पर यूरिन से भीगी पैंट फेंक दी। इतना ही नहीं, उसने नर्स, सिक्योरिटी गार्ड और दो अन्य पुलिसकर्मियों पर भी हमला बोला। एक रिपोर्ट के अनुसार आरोपी युवती का नाम उल्लना नाइट है। उनकी उम्र 19 साल है। आरोप है कि उसने ड्रग की ओवरडोज ली थी, जिसके बाद वो अपना आपा खो बैठी। युवती ने पुलिस स्टेशन में भी तोड़फोड़ की और अपने पिता के घर पर पत्थर फेंका। जान ले कि जब युवती के पिता को पता चला कि उनकी बेटी ने ड्रग्स की ओवरडोज ले ली है, तो उन्होंने उसे हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया, लेकिन वो अपनी बेटी को संभाल नहीं सके। वो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए। बेटी ने हॉस्पिटल से आई नर्स और सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर दिया। इसके बाद लड़की के पिता ने पुलिस को फोन किया और कहा कि उनकी बेटी को हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद करें। उसने ड्रग्स की ओवरडोज ली है। फिर युवती ने मौके पर पहुंचते ही 3 पुलिसकर्मियों पर भी हमला बोल दिया। उसने पुलिसकर्मी के मुंह पर यूरिन से भीगी पैंट फेंक दी। उसके अलावा उसने एक पुलिसकर्मी के हाथ पर अपने दांतों से काट भी लिया। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि इस मामले में युवती को जेल भी भेजा जा सकता है। हालांकि उसके ऊपर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि वो पैसे नहीं कमाती है। युवती के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है। ये थी एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क की विशेष रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।